हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ईरा शिंगे और आप देख रहे हैं सॉलिड मॉडलिंग इन क्रियो 4.0। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, थैंक यू। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि फील सपोर्ट जो पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में हमने फील सपोर्ट असेंबली के पार्ट्स डिटेल में ड्रॉ किए थे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे उस पार्ट्स को असेंबल कैसे किया जाता है क्रियो 4.0 में। तो चलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो व्हील सपोर्ट असेंबली है ये इस तरह हमें असेंबल करना है। तो लास्ट वीडियो में हमने सभी पार्ट्स इसके ड्रॉ किए। अगर आपको लास्ट वीडियो में देखना है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं पूरे के पूरे पार्ट्स कैसे ड्रॉ किए। तो इस वीडियो में हम इसका असेंबली करने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है जो लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्ट की थी, उसी फोल्डर को हमें सिलेक्ट करना है ताकि उस फोल्डर में जो भी पार्ट्स है वो डायरेक्टली हमें असेंबली में दिख सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप के ऊपर जो व्हील सपोर्ट फोल्डर है उसको सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है और न्यू फाइल स्टार्ट करनी है। कौन सी फाइल स्टार्ट करनी है, न्यू फाइल, ताकि हम असेंबली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे आपको पता है कि न्यू फाइल स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पार्ट और सब टाइप में सॉलिड में आ जाता है, सिलेक्टेड रहता है। तो अभी हमें क्या करना है, असेंबली करना है, तो यहाँ पे असेंबली के ऊपर क्लिक करना है, सब टाइप डिज़ाइन में ही रहना है। तो यहाँ पे जो टिक मार के उसको रिमूव करना है और इसका नेम जो है वो हमें चेंज करना है ताकि हम जो हम ड्रॉ करें उसको हम उसका नाम हम दे सकते हैं। ये जो देखो व्हील सपोर्ट असेंबली ये नाम है इसका, तो यहाँ पे टाइप करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है, फिर MMNS असेंबली डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद हम असेंबली वर्क बेंच में आ गए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो एक्सिस है उसको ऑन करना है, सभी एक्सिस को ओके। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला पार्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पहला पार्ट है बेस और उसके बाद ये जो सपोर्ट है और उसके बाद ये बाकी सब पार्ट्स एक एक करके हमें असेंबल करना है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, बेस, तो उसी बेस को हमें यहाँ पे लेके आना है। तो उसी लिए क्या करना है, असेंबली ये जो टूल है उसके ऊपर क्लिक करना है ओके। और ये क्या करेगा, जो हमने वर्किंग डायरेक्टरी सिलेक्ट की है उसी फोल्डर के अंदर डायरेक्ट करता है, तो उस फोल्डर में जितने सारे पार्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है और वो कौन सी डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है, कौन सा फोल्डर सिलेक्ट करना है जिसमें हमने पार्ट्स ड्रॉ किए हैं। तो हमने व्हील सपोर्ट इस फोल्डर में ये सभी पार्ट्स ड्रॉ करके रखे थे, तो इसीलिए हमने ये व्हील सपोर्ट फोल्डर एज अ डायरेक्टरी सिलेक्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसी फोल्डर में जितने पार्ट्स हैं वो दिखाता है। तो इसी तरह हमें सबसे पहले तो बेस चाहिए, तो ये बेस को सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको हमें यहाँ पे स्टेटस देखो नो कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे हमें इस स्टेटस को कन्वर्ट करना है फुल्ली कंस्ट्रेंट। तो उसी लिए क्या करना है हमें, ये जो प्लेन से ये देखो आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके लेता हूँ, तो यहाँ पे सेपरेट प्लेन है और ये पार्ट्स के सेपरेट प्लेन है। तो ये जो प्लेन है ये असेंबली के प्लेन है, यहाँ पे देखो नाम भी आता है इसका ASM, मतलब असेंबली टॉप प्लेन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ASM असेंबली फ्रंट प्लेन है और यहाँ पे देख सकते हैं आप असेंबली राइट प्लेन है ओके। तो ये देखो ASM राइट प्लेन। तो उसी तरह यहाँ पे भी देखो बेस टॉप, मतलब पार्ट का टॉप प्लेन है, ये बेस का फ्रंट प्लेन है और यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं ये बेस का राइट प्लेन है। तो हमें क्या करना है, इसका फ्रंट और इसका फ्रंट दोनों को कोइंसाइड करना है। तो इसलिए इसका फ्रंट हाईलाइट होने के बाद सिलेक्ट करना है और फिर इसका फ्रंट हाईलाइट होने के बाद सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो कंस्टेंट है उसको कोइंसिडेंट कंस्टेंट देना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कोइंसिडेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका जो ये देखो पार्ट का टॉप और ये असेंबली का टॉप, ये दोनों को सिलेक्ट करके कोइंसाइड के ऊपर क्लिक करना है और फिर ये देखो यहाँ पे पार्शियली कंस्टेंट आ गया, फुल्ली कंस्टेंट अभी तक नहीं है। तो हमें लास्ट जो है बेस का राइट और असेंबली का राइट सिलेक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे फुल्ली कंस्ट्रेंट आ गए और इसका कलर भी चेंज हो गया।
अगर इसका कलर इस तरह पे तरह से आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये फुल्ली कंसिस्टेंट है। और यहाँ पे ओके के ऊपर राइट टिक के ऊपर क्लिक करना है, दैट इज़ ओके। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, वो भी फिक्स हो गया। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, सपोर्ट को असेंबल करना है। तो इसलिए हमें ये जो टैब है इसके ऊपर क्लिक करना है, सपोर्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये देखो आप सपोर्ट देख सकते हो, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो होल्स है, ये दोनों होल्स, इन दोनों होल्स को कोइंसाइड होने चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, और उसके बाद ये जो होल है इसको और इसका एक्सिस, दोनों के एक्सिस को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करना है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों मर्ज हो गए, तो इसलिए हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है, थोड़ा उसको पिक करके उसको ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि हम इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर जिस तरह इस होल का और ये बेस प्लेट के होल को कोइंसाइड किया, उसी तरह इधर का भी ये होल का एक्सिस और इसका ये होल का एक्सिस, इन दोनों को कोइंसाइड करना है। ओके, और अभी तक ये पार्शियली कंस्टेंट है, लेकिन ये कंस्टेंट ही नहीं, असेंबल नहीं हुआ, क्योंकि इसका बेस जो है इसको सिलेक्ट करके ये जो बेस प्लेट का ऊपर का बेस सरफेस है, इन दोनों को कोइंसाइड जब तक नहीं किया जाता तब तक ये फुल्ली कंस्टेंट नहीं होगा, असेंबल भी नहीं होगा। तो इसी तरह ये कंप्लीट होगा, और राइट टिक करना है आपको, ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। और इस सेम इसी तरह हमें इस प्लेट को इधर भी लेके आना है, लेकिन हम फिर से यहाँ पे जाके उसको यहाँ पे लेके आना है उसी पार्ट को, सपोर्ट को, और फिर यहाँ पे कंस्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, सपोर्ट के ऊपर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो ये मिरर है, इसके ऊपर सिलेक्ट करना है। और मिरर को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए प्लेन चाहिए, इन बिटवीन एक प्लेन होगा, तो उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके के ऊपर सिलेक्ट करना है। ये देखो पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, फिर से रिपीट रिपीट नहीं करना है, डायरेक्टली इसको मिरर करना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सपोर्ट पिन है और बेस है, इनको अटैच करने वाला यहाँ पे जो बोल्ट है उसको असेंबल करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ट, ये देखो बोल्ट को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये जो बोल्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लो, इसका जो एक्सिस है बोल्ट का, ये देखो बोल्ट का एक्सिस आप देख सकते हैं, थोड़ा रोटेट करने के बाद ये जो एक्सिस है इसको सिलेक्ट करना है, और ये जो एक्सिस है होल का इसको सिलेक्ट करना है। एक्सिस एक्सिस सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करना है, और फिर इसका जो बॉटम का सरफेस है, ये देखो ये वाला सरफेस, इसको और ये जो टॉप का सरफेस है सपोर्ट पिन सपोर्ट प्लेट का, उसको सिलेक्ट करना है, ताकि ये कोइंसाइड हो सकते हैं। ये देखो ये कोइंसाइड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, इसको असेंबल करना है, ये फुल्ली कंस्टेंट हो गया। ओके के ऊपर क्लिक करना। अभी इस तरह के जो बोल्ट्स है वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हमें फिर से रिपीट प्रोसीजर नहीं करनी। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस बोल्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको पैटर्न करेंगे। तो पैटर्न कौन सा टाइप का होना चाहिए, एक इस डायरेक्शन में जाना है और एक इस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे जाके डायरेक्शन का पैटर्न करना है, सो डायरेक्शन के ऊपर सिलेक्ट करना। सबसे पहले हमें कौन सी डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये एज को सिलेक्ट करना है। ये देखो इधर की तरफ दिखा रहा है, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है इधर की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 है, इसी तरह इसी डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 65। तो हमें इस डायरेक्शन में 20 देना है और इस डायरेक्शन में 60 देना है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखो 20 एंटर करना है। ओके, और ये होगा इस डायरेक्शन में। अभी हमें क्या करना है, इस इधर से इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सेकंड डायरेक्शन, ये देखो सेकंड डायरेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। और डायरेक्शन के लिए एज एक आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, ताकि वो क्या करता है, उस एज को पैरेलल डायरेक्शन में, सेकंड डायरेक्शन में जाता है। तो इधर देखो ये जो एरो है इस तरफ है एरो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके फ्लिप करना है, क्योंकि तो इस तरफ जाए, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 65। तो 65 एंटर करना है यहाँ पे, और राइट क्लिक के ऊपर क्लिक करना है, ताकि आप एक देख सकते हैं, ये देखो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पैटर्न हो गए। तो इसी तरह हमें क्या करना है, एक होल को असेंबल करने के बाद बाकी सब होल पैटर्न कमांड से असेंबल करना है। तो ये होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ए होल जो है सपोर्ट पिन सपोर्ट प्लेट के बीच में, इस होल के अंदर बुशिंग हमें इंसर्ट करना है। यहाँ पे आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये ऊपर से वॉशर इंसर्ट किया है, इसके अंदर बुशिंग है,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे असेंबली के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो बुशिंग है इसको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, और बुशिंग को ओपन करने के बाद बुशिंग का एक्सिस और ये होल का एक्सिस इन दोनों को कोइंसाइड करना है। तो इसका एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्लिक करो तो आपको एक्सिस आइडेंटिफाई होगा। ये देखो यहाँ पे एक्सिस आ गया, इस एक्सिस को सिलेक्ट करना है और फिर ये जो सपोर्ट पिन प्लेट है उसका जो होल है उसका एक्सिस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करना है और फिर इसका जो सरफेस है इसको सिलेक्ट करना है, ये जो सरफेस है इसको सिलेक्ट करना है और फिर इसको सिलेक्ट करना है और फिर इन दोनों के सरफेस के बीच में भी कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करना है ताकि ये देखो यहाँ पे आ गया। तो ये देखो फुल्ली कंस्टेंट हो गया, राइट टिक के ऊपर क्लिक करना है ताकि इसका मतलब है ओके हो गया था। ओके अभी सेम पार्ट है इधर लेके आने का, तो हमें क्या करना है मिरर करना है। तो यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है बुशिंग को, मिरर के ऊपर क्लिक करना है और दोनों के बीच में प्लेन जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो और ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी एक बुशिंग आ रहा है। ओके तो इसी तरह हमें बुशिंग असेंबल किया, बुश को असेंबल करने के बाद हमें क्या करना है इसके ऊपर वॉशर जो है उसको असेंबल करना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये ऊपर वॉशर है, तो एक इस तरफ है और एक इस प्लेट के इस तरफ है। तो इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे असेंबल के ऊपर क्लिक करके वॉशर को सिलेक्ट करना और उसको ओपन करना। जैसे बुश को हमने असेंबल किया उसी तरह हमें क्या करना है ये जो है वॉशर है उसका एक्सिस और बुश का एक्सिस सिलेक्ट करना है ताकि वो दोनों कोइंसाइड हम कर सकते हैं और यहाँ पे जाके हमें कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करना है। और फिर इसका जो अंदर का सरफेस है ये वाला उसी तरह वो सिलेक्ट करना है और बुश का जो बाहर का सरफेस है उसको सिलेक्ट करना है और उन दोनों के बीच में कौन सी कंस्टेंट होनी चाहिए, कोइंसिडेंट कंस्टेंट होनी चाहिए। तो ये ऐसा आ गया, तो फिर ये फुली कंस्टेंट ओके के ऊपर क्लिक करना है। अभी फिर इसको वॉशर को सिलेक्ट करना है और फिर इसको मिरर करना है ताकि ये इधर आ सके। तो मिरर के लिए प्लेन की जरूरत है, बीच वाला प्लेन सिलेक्ट करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है और आप ये देख सकते हैं इधर वॉशर आ गया। ये होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो व्हील है वो हमें यहाँ पे असेंबल करना है। तो इसलिए हमें क्या करना है असेंबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे व्हील जो है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो सेंटर का एक्सिस है व्हील का, इसको एक्सिस का व्हील का जो होल है सेंटर का उसका एक्सिस और ये जो एक्सिस है इसका ले लो या इसका ले लो, आप कौन सा भी एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हैं और दोनों के बीच में कौन सी को कंस्टेंट होनी चाहिए, कोइंसिडेंट कंस्टेंट। और कोइंसाइड करने के बाद फिर इसका जो सरफेस है ये सरफेस सिलेक्ट करना है और फिर ये जो बुश है उसका अंदर का ये सरफेस आपको सिलेक्ट करना है। देखो थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं, ये देखो ये सरफेस सिलेक्ट करना है और दोनों के बीच में कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करना है। ओके कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको फुल्ली कंस्टेंट आ गया, तो ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद और शोल्डर पिन जो है, ये जो हमने सपोर्ट प्लेन व्हील्स बुश और ये वॉशर हमने जो यहाँ पे असेंबल किए उसी सभी को एक लाइन में रखने के लिए हमें सेंटर में एक शोल्डर पिन डालनी है। और उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेंटर में शोल्डर पिन है ये डालनी है। तो इसलिए हमें क्या करना है असेंबल के ऊपर क्लिक करना है, ये शोल्डर स्क्रू है उसको ओपन करना है, उसका जो एक्सिस है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो वॉशर दिख रहा है थोड़ा टिल्ट करके आपको दिखेगा इसका एक्सिस सिलेक्ट करो, ये दोनों को हमें क्या करना है कोइंसिडेंट करना है और फिर इसका जो सरफेस है ये सरफेस इसको हाईलाइट करने के बाद सिलेक्ट करना है, वो सरफेस ये वॉशर के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड होना चाहिए इसलिए वॉशर का ये सरफेस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिस्टेंस के बदले कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करना है। ये देखो फुल्ली कंस्टेंट आ गया, ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके और फिर लास्ट में यहाँ पे हमें क्या करना है नट जो है यहाँ पे असेंबल करना है। तो इसलिए हमें क्या करना है असेंबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो नट है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो एक्सिस है उसको हमें क्या करना है सिलेक्ट करना है और ये जो नट है शोल्डर स्क्रू है उसका एक्सिस है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करनी है। और फिर इसका जो चैम्फर किया है जो नहीं किया है सरफेस जो चैम्फर नहीं किया है ये देखो आप देख सकते हैं इस तरफ चैम्फर है लेकिन इस तरफ चैम्फर नहीं है, तो जो नहीं किया सरफेस उसी बाजू का ये सरफेस आपको सिलेक्ट करके और फिर यहाँ पे
शोल्डर पिन के बाजू में जो वॉशर लगा है उसका ये सर्फेस सेलेक्ट करना और इन दोनों के बीच में कोइंसिडेंट कंस्टेंट अप्लाई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली कंस्टेंट आ गया, तो ओके के ऊपर क्लिक करना। तो इसी तरह ये हमारा असेंबली कंप्लीट हो गया। तो ये हम प्लेन फिर से सभी प्लेन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा के पूरा असेंबली, समझ गए। तो इसी तरह हमें क्या करना है, व्हील सपोर्ट असेंबली जो है वो क्रियो 4.0 में कम्प्लीटली ड्रॉ करनी है। तो इस तरह दोस्तों इसको फिर सेव करेंगे। ये देखो कहाँ पे सेव, जो वर्किंग डायरेक्टरी सिलेक्ट किया है उसी फोल्डर में जाके आप सेव हो जाता है। ओके के ऊपर क्लिक करना और आप फोल्डर देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर में, ये देखो व्हील सपोर्ट असेंबली आप देख सकते हैं, इसको इमेज इसका यहाँ पे, तो ये इमेज है। तो इसी तरह हमने आज व्हील सपोर्ट असेंबली की पार्ट्स की असेंबली कैसे करते हैं क्रियो 4.0 में देखा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, थैंक यू, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू।